और यहाँ का मुझे सबसे बेहतरीन नजारा लगता है ये, ऊपर चढ़ते ही सामने खड़ा होता है जहाज। अभी नया नया डीजे नया देखा तो अच्छा नया नजारा आ गया है। हो रहा है खरीदारी गोल्ड की। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो अभी है मौजूद ऑफिस में और अभी ब्रेक टाइम हो गया है, नमाज का अजान हो रहा है। हमारे अहमद भाई छुपे हुए हैं। काम करिए भाई, ब्रेक टाइम नहीं, काम ही किया था। ब्रेक टाइम हो गया ना अभी, देखे ना, एक मिनट का टाइम दिखा दिए। नहीं, ब्रेक टाइम हो गया, बारह बजे इधर एक मिनट बाकी। तो अभी आ रहा है भैयाज अलूला से हरियाद, तो उसको करना है रिसीव और थोड़ा सा कुछ कराना है शॉपिंग, उसके बाद फिर वो आज जाएगा वापस इंडिया, उसका फ्लाइट है फिर रात में। तो अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो अभी था ब्रेक टाइम, भाई को लगा था भूख, हमको भी लगा था भूख, भाई को मुंह देख सकते थे सूखा हुआ भूख से। सभी हम लोग आए हैं थोड़ा कुछ खाने पीने, अभी खाना खाने आए हैं बाप टूमा में ना, बहुत अच्छा है इसका इंटीरियर, अंदर से ऐसा लगा गुफा में आ गए हम लोग। ज़्यादा ही गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, और अभी हम लोग हैं मल्स के एरिया में। लोग काम करते होंगे सऊदी अरब में, वो जानते होंगे अल्बवानी को, बहुत ही फेमस कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उसका ये हेड ऑफिस है मल्स में। और ये हमारे सुल्तान भाई हैं जो साथ में खाना खाने आए हैं। क्या लेंगे भाई आज? आप चल के देखते हैं। यार ये देखो इतने सारे लोग आ गए हैं। हाँ अमरेश भाई, हाय हाय अल्बर्ट, हेलो मिस्टर आरिश, यू आर इन द ब्लॉग। ये बड़ा है सामने चिकन ग्रिल, ये है इसका नाम बाप तुम्हारे स्टूडेंट। अभी क्या ऑर्डर किया है? एक आइटम आया है, क्या है ये? शोरमा सहन, खबूस मक्खन, हाँ चिकन है, बाकी खबूस मिल चुका है, ये यहाँ का रोटी है। अभी एक और ब्रोस्ट आ रहा है। अब हम लोग का ऑर्डर कम्प्लीट हो चुका है, शोरमा सहन और ये ब्रोस्ट स्पाइसी, और ये रसीन सलाद है, और ये क्या ये मायनीज, स्पेशली ये जो आलू है बहुत टेस्टी है। कैसे है ब्रोस्ट नूरज भाई? सही है, आरिफ भाई हमारे मजा ले रहे हैं ब्रोस्ट का। तो अभी हमारा कुछ काम है साइट पे, उस काम को करेंगे फिर जाएंगे एयरपोर्ट रिसीव करने भैयाज को। रियाद का डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इसके आगे जो है वो है इंटरनेशनल। फैयाज खड़ा है 5 नंबर पे अराइवल, वहाँ आ चुका है ऑलरेडी, सामने है खड़ा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन इम्तियाज ब्लॉग, और मैं अलूला से ट्रैवल करके रियाद एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और इम्तियाज भाई रिसीव करने आया है, और मुझे शाम में रात में ही फ्लैट है मतलब, तो मैं थोड़ा कुछ मार्केटिंग करूँगा यहाँ पे, जो भी घर जाने का मार्केटिंग है, उसके बाद फिर जाऊँगा मैं, फिर रात में फ्लाइट होगा। रात में फ्लाइट है 1:30 पे ना, 1:25 फ्लाइट है, तो मतलब 10 बजे इंसान 9 बजे घर से रूम से निकलना पड़ेगा। हाँ तो टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट 5 to 6 hours है मेरे पास। स्वास्थ्य का शॉपिंग होगा, फिर सामान की पैकिंग भी होगी। कितना टावर के रहे हैं, देख रहे हैं कितना काम जोर शोर से चल रहा है, कुछ मॉल बन रहा है। तो अभी फिर से आए हैं हम लोग नकाब लेने के, थोड़ा करना था शॉपिंग उसी दुकान में, अपना भाई का दुकान। हाँ भाई, हाँ भाई बताओ ना, हाय कर दो सबको, सब हाय कर। हाय, अभी नया नया डीजे नया देखा दो। अच्छा नया डिजाइन आ गया है, तो ये सब है डिजाइन नया नया, लास्ट टाइम ये वाला ले गए थे। हाँ सही हो गया था, परफेक्ट ये वाला नया। तो नकाब शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं लुलू में, लुलू से कुछ शॉपिंग करेंगे।
उसके बाद फिर थोड़ा सा गोल्ड की शॉपिंग होगा। ये है व्यू, अभी हम लिफ्ट के अंदर हैं। प्लस अभी हो गया है शॉपिंग कंप्लीट, अब थोड़ा सा जाना है गोल्ड शॉपिंग, उसके बाद घर जाना हम लोग का। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है खरीदारी गोल्ड की। 5,960 सामान हो चुका है शॉपिंग, अब जा रहे हैं हम लोग वापस रूम में, फिर वहाँ सामान पैकिंग होगा, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग। तो अभी फयाज को रूम में ड्रॉप कर दिए हैं, अपन सामान थोड़ा पैकिंग कर रहा है, और अभी रात में जो खाना बनेगा गोश्त, वो ये गोश्त लेके आ रहे हैं, उसके बाद फिर सामान की तैयारी में हम हेल्प करेंगे। मैं है फेवरेट दुकान, यहीं से गोश्त लेते हैं। तो आज फयाज के आने में खुशी में देसी घी का बन रहा है पराठा, और गोश्त बन ही गया है। ये है पराठा, और इधर है चावल। तो एकदम स्पेशल खाना बनाया गया है फयाज के लिए सुल्तान भाई, और आपके लिए बनाया गया है देसी घी का पराठा बनाया गया है। तो सेहत कमजोर हो गया आपका एक महीने में? हाँ यार, वीकनेस कर रहा था मैं 3 किलो वजन बढ़ा दिया आपने जब से आप आए हो मालूम है। मेरा रोटी किधर है? जिम करेंगे नहीं करेंगे? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एयरपोर्ट सीरीज में। सबको लाइट छोड़े जा रहा है एक महीने से। हाँ जी, तो वसीम साहब आ चुके हैं और हम लोग भी निकल चुके हैं। तीन आने पुराने, एक आदमी नए हैं एयरपोर्ट वासी के लिए। फयाज साहब नए हैं, क्योंकि हम तो अभी ऐसा लग रहा है कि बस एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट आना जाना है, आना जाना। और वसीम छोड़ने गया था, अभी लाने गया, आप भी गए, आप भी आए, अभी हम जा रहे छोड़ने। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे ऑन रोड और मे बी एयरपोर्ट पे शायद। आगे हुआ सीन ये कि वसीम हमारा भाई जो है ना, वो लगभग 8-8 साल से हम उसको जानते हैं, कभी भी आज तक 8 साल में उस बंदे ने जो है वो हमें दावत नहीं दी, और उसको पता नहीं कि वो अचानक याद आ गया। अभी प्रॉमिस किया है दावत, हाँ प्रॉमिस कर दिया दावत देने का। तो इस जुमरात को वसीम की दावत है, ठीक है? तो वसीम भाई की दावत पार्टी है। हाँ, तो जुमरात को पार्टी कंफर्म कर दी है वसीम भाई के द्वारा। अभी तो हम खाना खा के आए हैं, ठीक है? अभी जुमरात को इंशाल्लाह पार्टी होगा, तो इसमें ब्लॉग भी बनेगा स्पेशल कि 8 साल के बाद हमने पार्टी खाया। बिल्कुल वीडियो का टाइटल आएगा, 8 साल बाद वसीम भाई ने दी पार्टी, ये होगा वीडियो का टाइटल, ठीक है? चलो बाकी आप रोड पे ध्यान दो, मैं कैमरे पे ध्यान देता हूँ। और यहाँ का मुझे सबसे बेहतरीन नजारा लगता है ये, ऊपर चढ़ते ही सामने खड़ा होता है जहाज जो आपके लिए वेट कर रहा है। कब आए सुल्तान भाई? इधर खड़ी है, उधर खड़ी है, कितने सारे यहाँ पे जहाज खड़े हुए हैं, बड़े बड़े सऊदी एयरलाइंस उधर तक। क्या बेहतरीन नजारे हैं। चले गए बाहर, चले गए क्या पार्किंग लगाने? पार्किंग के बाहर हमारी पार्किंग है इधर 216, और पिलर नंबर होगा कुछ पता नहीं क्या। भाई साहब कभी जिम किया करते थे, हाँ कुछ कह रहे थे, और आज भाई की पर्सनालिटी देखे माशाल्लाह हेल्दी हो गई, फैमिली पैक से एक्स्ट्रा लार्ज फैमिली पैक। तो ये आ गए हम, चलो वहाँ ऊपर तो ले लो इधर से ट्रॉली, ये काम तुम अच्छा करते हो, चलो। और यहाँ से लेंगे लिफ्ट सीधा टर्मिनल 2, और वो भाई साहब आ चुके हैं, बहुत दूर पार्किंग लगा के आ रहे हैं। हाँ, आप पार्किंग लगाने कहाँ चले गए थे भाई? 216। चलिए, और भाई लास्ट टाइम जो आप ले गए थे वो याद है? लास्ट टाइम क्या हो गया था भाई? आप तो लेके आए पार्किंग में, कौन सा लिफ्ट पकड़ लिया, मैं बाहर निकल गया। लास्ट टाइम हम लेके आए इनको नीचे पार्किंग में, गए पार्किंग से हम ऊपर जाने लग गए तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उधर से कोई सी लिफ्ट पकड़ी बाहर चले गए, फिर वही बात हो गई, अब बाहर जाए फिर से लेने लगे हम लोग। तो अभी हम फिर एक एलिवेटर लेने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर हमें बाहर निकाल दे।
हम चल भी कह रहे हैं आज हम जा रहे हैं। तो ये दोनों लोग पोज बना के फोटो के लिए खड़े लगे। सही था सब कुछ, थोड़ी कीजिए सही है। ठीक है, मिले बोर्डिंग पास सब। बोर्डिंग पास मिल गया। चलो सही होते ठीक हो। ठीक है सर, निकलो। सलाम भाई। सलाम ठीक है भाई। ठीक है चलो ओके। ठीक है जाओ। सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन। अब फिर जा चुका है फ्लाइट के लिए। अब हम लोग भी जा रहे हैं अपना कार के लिए। तो अभी रुके हैं एक ब्रेक के लिए, लेंगे पानी थोड़ा सा, कोल्ड ड्रिंक छोड़ने। यूनिक है। और इधर ले लिए इतना सारा सामान। अब इतना सारा सामान ले लिए हैं भाई लोगों के लिए। हाँ भाई, और कुछ मांगता है? क्या फूटती है भाई? फूटा तो कुछ भी नहीं है। पानी मंगाया था? किसने मंगाया था पानी? पानी मंगाया था आपने। वसीम ने क्या मंगाया था? ये है आपका 7-Up डाइट। थैंक यू। ये है आपका ATM। रजीम भाई का पानी। धन्यवाद। और आपका क्या है भाई? मेरा पानी। अच्छा। और ये है हमारा नींबू पानी। अच्छा, नींबू पानी सही है। तो यार फयाज को तो हमने छोड़ दिया और हम लोग भी ऑलमोस्ट आ चुके हैं। आज जो है फयाज ने एक दिन में 3 फ्लाइट लेंगे। हाँ। पहली फ्लाइट अलूला से रियाद, दूसरी फ्लाइट रियाद टू दिल्ली, दिल्ली फिर दिल्ली टू पटना। हाँ। तो ये हो जाता है सीन। और बाकी हम लोग भी गए थक, अभी जाएंगे रूम में रेस्ट करेंगे। हाँ, नींद आ रही है, अब रेस्ट करेंगे जाके इंशाल्लाह, सोएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। यहाँ तक देख लिया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद रखिए। ठीक है भाई। ओके, टाटा बाय बाय। गुड नाइट।